बिहार में शिवांगी आप देख रहे हैं जीएमडी खबर। सीतापुर से एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां पर एक ही झटके में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। बता दें बिजली का तार तेज हवाओं के कारण पंडाल में लगे लोहे के खंभे से जाकर टच हो गया, जिसके बाद करंट लग जाने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और तीन लोग झुलस गए हैं। खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की यथासंभव सहायता करने की बात कही है। इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनके इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीतापुर के कमलापुर के हनुमानपुरा में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। राम प्रताप पाल अपने बेटे की बारात लेकर बिस्वा के मोच कला गाँव से कमलापुर के हनुमानपुर आए थे। अभी रस्में निभाई ही जा रही थी, सभी पंडाल के नीचे नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच तेज हवाएं चलने लगी और पंडाल में लगा लोहा का खंभा 11,000 की बिजली के तारों से टच कर गया। बस फिर क्या था, पंडाल में करंट उतर आया और जो भाग पाया उसने अपनी जान बचा ली, जो नहीं भाग पाया उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। हादसे की जानकारी लगते ही एसपी और डीएम मौके पर पहुंच गए। कमलापुर से लेकर जिला अस्पताल तक घटना की मॉनिटरिंग की जाने लगी। सीतापुर डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने घटना पर दुख जताया है। और हनुमानपुर में बारात के नीचे बारात में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तो ये 11,000 जो लाइन गई थी उसके नीचे पंडाल लगाए हुए थे। पहली बात तो उन लोगों की गलती, 11,000 वोल्टेज नीचे लाइन पंडाल नहीं लगाना था, और उससे जब आंधी आई है हवा चली तो पंडाल हो गया रिच, वहाँ से टच कर गया, और जो इन लोगों ने पंडाल पकड़ने की कोशिश की उससे इन लोगों को करंट लग गया। कितने लोगों को करंट लगा? लगभग 8 लोगों को लगा है। 8 लोग। मैं गांव है हनुमानपुर, वहां पर एक विवाह समारोह में अभी तक जो प्रारंभिक जांच है उससे ज्ञात हुआ है कि वहां एक शादी समारोह हो रहा था और आंधी आई और उसमें जो वो त्रिपाल या जो भी वहाँ लगा था उसका पाइप टच किया हाई टेंशन वायर में, और इसके बाद 7 लोग वहाँ पर चोट लगने, मतलब जो करंट लगने से घायल हुए थे उनको यहाँ रेफर किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। अभी मैंने सीएमएस से बात की और उन लोगों से भी बात की है, 3 लोग अभी उनको कोई खतरा नहीं है और उनके समुचित उपचार की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।